नहीं जी, मेरे अबू का अभी तक कोई पता नहीं चला, पुलिस नाकाम होगी मेरे अबू को ढूंढने में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, ये वीडियो देखें, इनका कसूर क्या है, ये इनके साथ हुआ क्या है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरे पापा कभी कोई भी बाजियाब नहीं कर सका, उस कुत्ते ने मेरे बाप को खा लिया, उनकी अपनी औलाद है, वो मना करेगी अपने बच्चों के घरे, खुदा रहम करे, मैं सबके आगे चोली बांधती हूँ, सबके आगे सवाली बन के भिखारन होने गई हूँ। इनका क्या कसूर है ये मैं आपको बताता हूँ। इनका पहला कसूर ये है कि ये पाकिस्तानी है, दूसरा कसूर इनका ये है कि ये गरीब है, तीसरा कसूर इनका ये है कि ये गरीब होते हुए ये पाकिस्तान में इंसाफ ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, पाकिस्तान में सिर्फ इंसाफ अमीर लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए नहीं है। और ये छोटी छोटी बच्चियां जो हैं, ये पुलिस वालों के लिए बता रही है कि पुलिस नाकाम हो गई है। अरे मेरे भाइयों, पुलिस सिर्फ है, पुलिस सिर्फ कामयाब होती है जो अमीर लोग हैं उनके लिए कामयाब होती हैं, गरीब के लिए नहीं कामयाब होती। गरीब की रिपोर्ट लिख लेते हैं, कहते हैं जी आज मिल जाता है, कल मिल जाता है, ढूंढते नहीं हैं। यार ये मुझे इतना दुख हो रहा है ये वीडियो देख के, वो वज़ीर आज़म से अपील कर रही हैं, वज़ीर DIG पंजाब से अपील कर रही हैं, रो रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इनको इंसाफ मिले। दोस्तों ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो है, इस वीडियो को लाइक आप चाहे ना करें, लेकिन ये है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि इनको इंसाफ मिल जाए।